हेलो दोस्तों, जो फिल्मों में नकली ब्लड बनाया जाता है वो किस प्रकार से बनाया जाता है वो हम इस वीडियो में देखने को मिलेगा आपको। और किस प्रकार से बनाया जाता है आप घर पे भी बना सकते हैं, और फिल्मों में या बाद में किसी भी प्रकार के आप जो वीडियो बनाते हैं अगर, तो उनमें अगर आपको नकली ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो वो किस प्रकार से बनाते हैं वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। और ये घर पर भी बना सकते हैं, उसमें कहीं से भी कुछ भी खरीदना नहीं पड़ता है, ओनली घर पर बनाया जा सकता है। नकली खून बनाने के लिए एक गिलास में इतना पानी लेना, कितना भी ले लो, और जो कपड़े धोने का साबुन सोडा आता है या साबुन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन साबुन थोड़ा घुलेगा, घुलने में टाइम लेगा, और हल्दी ले लेनी है। इन दोनों चीज़ों से हम नकली खून बनाएंगे। किस प्रकार बनाएंगे वो आप देखते रहिए इस वीडियो को। सबसे पहले तो हमें जो धावन सोडा होता है कपड़े धोने का, उसको डालना है इसमें कुछ इस तरीके से। यहाँ पर थोड़ा सा जो धावन सोडा है उसे डाल लेना है, और उसको बाद में थोड़ा मिक्स करना है। मिक्स करने के लिए किसी भी चीज़ का आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, तो इस प्रकार से आपको मिक्स कर लेना है, अच्छे से मिक्स करें। और दोस्तों, अगर ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर एक्सपेरिमेंट भी किए जाते हैं, और जो साइंस एक्सपेरिमेंट है वो भी किया जाता है। ये भी एक प्रकार का साइंस एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन जैसा दिखने वाला जो ब्लड बनेगा वो नकली ब्लड बनेगा, वो भी इसी साइंस की क्रिया के द्वारा बनेगा। तो यहाँ पर आपको डाल लेनी है हल्दी। हल्दी डालने के बाद कुछ ऐसा कलर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर हीमोग्लोबिन जैसा ही देखने को मिलता है, खून का रंग भी लाल होता है, और ये सेम टू सेम बनता है। तो इस प्रकार से आपको मिक्स कर लेना है, और ये आपका जो खून है वो एकदम रेडी हो चुका है। और इसे बहुत ज़्यादा मिक्स कर लेना है ताकि ये बहुत ही अच्छा दिखे, और जो देखने में एकदम कलर वो हीमोग्लोबिन जैसा ही हो। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं।